हे एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सही हो गए, मस्त हो गए। तो अभी हम लोग आए हुए हैं वांडूर बीच। सो गाइस, ये देखिए वांडूर बीच का कुछ नज़ारे ऐसे दिखता है। यहाँ पे कुछ कुछ बिक्री हो रहा है और ये कुछ ऐसे दिख रहा है, छोटा छोटा आइलैंड। सो ये देखिए, यहाँ पे शॉपिंग के लिए संग सब मिल रहा है ना। ये तो यहाँ पर्स सब है, बैग सब, लेडीज बैग। अब पूरा पानी आ रहा है सामने में, दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बैठने के लिए भी है, ऐसे बनाती है बैठने के लिए। और अभी हम उधर चलते हैं, वहाँ पे फोटो शूट कराएंगे। और यहाँ पे देखिए, ये टर्टल यहाँ पे अंडा देने के लिए आता है। साइंटिफिक नेम सब लिखा हुआ है, लेदर बैक टर्टल। सो चलते हैं हम लोग उधर साइड, हम देखते हैं क्या क्या चीज़ मिलता है। सो ये देखिए क्या सीन आ रहा है गाइस, बोट रखा हुआ है, यहाँ पे भी रखा हुआ है। और अधिकतर भीड़ उधर है। सो ये देखिए, यहाँ पे अंडमान वाटर मॉनिटर लिजार्ड भी आता है, यही जंगल में रहता है। यहाँ पे दे दिया गया है उसका पोस्टर। यहाँ टर्टल भी आते हैं अंडा देने के लिए और बहुत सारे बर्ड्स सब भी आते हैं। सो गाइस ये देखिए, बहुत ही टॉल ट्री दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका कोकोनट ट्री से भी ज़्यादा बड़ा ट्री है, पता नहीं क्या चीज़ का, लेकिन बहुत विशाल दिख रहा है। सो ये देखिए कितना मस्त नज़ारा जा रहा है। और ये जो रिजॉर्ट है, इसका नाम है सी प्रिंसेस बीच रिजॉर्ट, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बादल भी मस्त लग रहा है, ये वाला जो व्यू है बहुत शानदार लग रहा है एकदम। और यहीं पर है ये लट्री बड़ा सा था। सो गाइस, अभी हम लोग हैं वांडूर बीच में और यहाँ पे सनसेट भी बहुत ही अच्छा दिखता है, मतलब सनसेट होते हुए। तो अभी होगा उधर पीछे साइड पे, और अभी बज गए हैं 3 और अभी टाइम है, तो थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे। और जस्ट यहाँ पे राइट साइड में पेड़ सब है मस्त। सो गाइस, अभी हम लोग चलते हैं राइट साइड, जाते हैं वहाँ पे फोटोशूट के लिए, मस्त प्लेस है वहाँ पे, मस्त पेड़ सब है, पूरा जड़ से उखड़ गया है। अब वहाँ पे फोटो मस्त आता है, फोटो सब डालेंगे आप देखिएगा, खिंचाने के लिए चलते। सो ये देखिए, ये साइड में अभी चलते हैं, आपको दिखाएंगे वहाँ पास से। और ये देखिए यहाँ से जो नज़ारा आ रहा है, उधर पानी बहुत कस के आ रहा है इस साइड में, इधर भी बादल किया है इसलिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, नहीं तो बहुत मस्त आता है। यहाँ पे पानी भी एकदम साफ दिखता है, ग्रीनिश टाइप का। अभी तो खैर धूप नहीं आ रहा है यहाँ, तो पता नहीं चल रहा है। और देखिए नज़ारा, और हम लोग आए वहाँ से चल के पूरा। ठीक है, चलिए दिखाते हैं वहाँ पे जो पेड़ है। अभी हम लोग को बड़का नदी पार करना है, ये देखिए आ रहा है अंडमान से जो आ रहा है, और सीधे यहाँ पे मिल रहा है, तो चलिए पार करते हैं।
कूद के। बाप रे बाप। और यहाँ पे देखिए हरियाली, पूरा घना सा एकदम जंगल टाइप का। जंगल टाइप का क्या, जंगल है पूरा अंदर तक है। और हम लोग को जाना है वहाँ फोटो खिंचाने। चलिए चलिए, और थोड़ा इधर से दिखाते हैं आपको हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं। बहुत दूर से वहाँ से आ रहे हैं, देखने से लग रहा है कि ज़्यादा दूर नहीं लेकिन बहुत दूर है। सो देखिए यहाँ पे पहले से भीड़ भाड़ है, फोटो पहले से खिंचा रहा है सब। हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि कब हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि कब हम लोग का टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा, वेट करना पड़ेगा बस। सो ये देखिए कैसा पेड़ है, एकदम सूखा सूखा। सूखा सा पेड़। इतना विशाल, इसको जड़ भी भयानक दिख रहा है। ये देखिए गाइस कैसे उखड़ गया है पूरा जड़ से ही। यहाँ पे बहुत लोग फोटो शूट करता है, हम लोग भी खिंचाएंगे ये जगह। और आगे भी चल के देखते हैं क्या क्या है। एकदम अंधेरा गुफा टाइप का लग रहा है ये जगह। और सनसेट देखिए यहाँ से मस्त होगा। देखिए मस्त दिख रहा है ऐसे। इधर पूरा एकदम फोटो शूट चल रहा है, बड़ा वाला में भी चढ़ चढ़ के खिंचा रहा है। ये देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है, पूरा जड़ सूखा जड़ जमीने से उखड़ गया पूरा। उधर जा रहा है प्लेन गाइस, देखिए प्लेन जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं देखिए। तो देखिए एक नदी और आ रहा है यहाँ से, अंडमान का नदी छोटका सा, बेचारा फंस गया वहाँ पे वो आइलैंड में। ये देखिए पूरा पेड़ है विशाल, पूरा अंदर से कहीं से पूरा आता है पानी। ये देखिए बस, और यहाँ देखिए कितना बड़का सा है जड़ सहित। रास्ता है अंदर जाने का, माइनस इज वाइड। अरे पुक करके आ रहे टुक टुक। सो गाइस आपको अगर यहाँ वंडर बीच आना है तो यहाँ आने के लिए चार तरीके हैं जिससे आप आ सकते हैं। एक तो आप स्कूटी रेंट करिए, दूसरा सरकारी बस है, तीसरा प्राइवेट बस है, और चौथा आप टैक्सी बुक करके आ सकते हैं। बस यही साधन है यहाँ आने के लिए। तो हम रिकमेंड करेंगे कि सरकारी बस में आए, 55 लेता है बस स्टैंड से बस टर्मिनल से। देखिए देखिए यहाँ पे कितना बड़का सा है, देख लीजिए कुछ दिन के बाद यहाँ पर पड़ा रहेगा क्योंकि इसका भी ऐसे ही हाल है जैसे सबका है, तो इसका टाइप का होगा कि ऊपर एक पूरा पेड़ गिरा हुआ है। और सबसे बड़ा देखा जाए तो यही है जिसका बहुत बड़ा जड़ है, एकदम बड़का सा विशाल। वहाँ पे देखिए मस्त मस्त दिख तो रहा है, मस्त है वो सब। ये देखिए एक गिरा हुआ पेड़,
इतना बड़ा सा, ये जितना पेड़ है सब गिरेगा लग रहा है ऐसे ही। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा जोहार।